हेलो माय डियर स्टूडेंट, हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। यू आर मोस्ट वेलकम टुडेज क्लास। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक लाए माय डियर स्टूडेंट, एग्जेप्शन ऑफ एलडीएमयू। एलडीएमयू यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के एग्जेप्शन क्या है, मतलब वो कौन से पॉइंट्स हैं, फैक्ट हैं जो एलडीएमयू के रूल को फॉलो नहीं करते, यानी जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी के रूल्स को फॉलो नहीं करते वो कौन कौन से केसेस है, उसी पे हम चर्चा करेंगे। तो उस पे एलडीएमयू के मुख्यतः चार हैं जो एग्जेप्शन है जो एलडीएमयू के रूल को फॉलो नहीं करते, वो है पहला इंटरेस्ट, सेकेंड हॉबी, तीसरा माइजर एंड चौथा एडिक्शन। पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि पिछले लेक्चर वीडियो में हमने आपसे यह डिस्कस किया थी एलडीएमयू क्या है। जैसे जैसे कंज्यूमर कंजप्शन यूनिट्स को कंज्यूम करता है इंक्रीजिंग वे में, तो वैसे वैसे उसकी मार्जिन यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती है, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एलडीएमयू। ओके, तो हमने देखा कि नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम और मार्जिन यूटिलिटी में इनवर्स रिलेशन है, अर्थात अगर नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम इंक्रीज होगा तो मार्जिन यूटिलिटी डिक्रीज होगा, और यदि नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम डिक्रीज होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होगा, इसी को बोलते हैं एलडीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। अर्थात कि नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम और मार्जिनल यूटिलिटी में इनवर्स रिलेशन है। क्या रिलेशन है? इनवर्स, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। ठीक है, तो अब चूंकि आज का हमारा जो टॉपिक है एग्जेप्शन ऑफ एलडीएमयू, वो कौन कौन से केसेस हैं, वो कौन कौन सी दशाएं हैं जो इस एलडीएमयू के रूल को फॉलो नहीं करते, अर्थात क्या फॉलो करते हैं, डायरेक्ट रिलेशन फॉलो करते हैं, अर्थात नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम अगर इंक्रीज होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी भी इंक्रीज होगा, अगर नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम डिक्रीज होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी भी डिक्रीज होगा, अर्थात डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं। यानी ऐसे केसेस में नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम और मार्जिनल यूटिलिटी में डायरेक्ट रिलेशन होता है, और यही एलडीएमयू के एग्जेप्शन है, क्योंकि एलडीएमयू रूल कहता है यूनिट्स बढ़ेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होंगे, अगर यूनिट्स डिक्रीज होंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होंगे। तो जो इसका अपोजिट, जो एलडीएमयू के रूल को फॉलो नहीं करता है, यानी यूनिट्स और उस केस में यूनिट्स और मार्जिनल यूटिलिटी में डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो इसी बात को लेकर आज हम आपके सामने लाए व्हाट आर एग्जेप्शन ऑफ एलडीएमयू। तो उसके चार केसेस से देखते हैं। पहला केस है हॉबीज। हॉबी के केस में हम देखते हैं कंज्यूमर मार्केट में जो भी गुड्स एंड सर्विस परचेज करता है, तो यहाँ पे उसकी जितनी हॉबी होती है, उसकी जो जो हॉबी है, हॉबी जितना उसका बढ़ेगा उसका नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम भी बढ़ेगा, अगर उसकी हॉबी डाउन होगा तो उसका नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम भी डाउन होगा। जैसे अगर हमें या किसी कंज्यूमर को रोटी खाना, नान पाव रोटी खाने का बहुत आगे, बहुत ही है हॉबीज रखता है, खाएगा तो एक खाएगा, फिर दूसरा खाएगा, तीसरा खाएगा, क्योंकि उसकी हॉबीज बहुत है, तो वो खाता जाएगा क्योंकि उसकी हॉबी भी बढ़ रही है इसलिए वो खाता जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ यूनिट और मार्जिन यूटिलिटी में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। और भी दूसरा एग्जाम्पल है स्विमिंग। कोई व्यक्ति स्विमिंग करने का बहुत ही शौकीन है, तो जितना उसकी हॉबी बढ़ेगी वो उतना देर तक स्विमिंग, उतने आवर तक स्विमिंग करेगा, अगर उसकी हॉबी नहीं होगी तो कम करेगा, और हॉबी ज़्यादा होगी तो करता जाएगा। यानी कि उसकी, यानी यहाँ पे देखते हैं, यानी जितना उसकी हॉबी बढ़ेगी उतना उसकी स्विमिंग नंबर ऑफ आवर्स भी इंक्रीज होगी, अगर उसकी हॉबी डाउन अगर होती है तो उसकी स्विमिंग करने की नंबर ऑफ आवर भी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट रिलेशन देखते हैं। तो ये हैबिस एक एक्सेप्शन केस है, एलडीएमयू का एक एक्सेप्शन केस है। अब दूसरा एक्सेप्शन केस की बढ़ते इंटरेस्ट। सपोज दैट कि मुझे किताबें पढ़ने का बहुत इंटरेस्ट है, एक पेज पढ़ा, दो पेज पढ़ा, तीन पेज पढ़ा, चार पढ़ा, देखते जा रहे हैं कि जैसे जैसे मेरा इंटरेस्ट कोई पर्टिकुलर बुक्स या स्टोरी पढ़ने का बढ़ता जा रहा है, तो वैसे वैसे उतने नंबर ऑफ पेजेस भी हम बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट है। तो नहीं, ऐसे केस में नंबर ऑफ पेजेस और बुक्स को पढ़ने पे जो मार्जिन यूटिलिटी क्रिएट होता है उसमें डायरेक्ट रिलेशन है, जो कि एलडीएमयू रूल के अगेंस्ट है। तो हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट भी एक दूसरा एग्जेप्शन केस है एलडीएमयू का। अब हम थर्ड केस की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड केस क्या है? माइजर, कंजूसी करना।
हर व्यक्ति किसी न किसी मामले में कंजूसी होता है। अगर हम देखें, अगर वो कोई बहुत मेहनत से पैसे कमाता तो है लेकिन खर्च करने में कंजूसी करता है। यदि कोई कंज्यूमर पार्टिकुलर, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस के अंतर्गत हम ये टॉपिक चर्चा करें तो हम कंज्यूमर बिहेवियर की बात करेंगे, तो पैसा तो कमाता बहुत अच्छे से लेकिन जब खर्च करने की बात होती है तो बहुत चुरा चुरा के, चुन चुन के, बचा बचा के खर्च करता है, क्योंकि उसके अंदर माइजर है, यानी उसके अंदर किसी भी पार्टी माने खर्च करने, पैसा खर्च करने की कंजूसी जितनी भी ज़्यादा होगी वो उतना ही पैसा बचत ज़्यादा करेगा। जब उसकी कंजूसी कम होगी तो वो पैसा भी कम करेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है, क्या है डायरेक्ट रिलेशन। तो यहाँ पे पैसा खर्च करने में और कंजूसी में दिखाने में जो डायरेक्ट रिलेशन है, तो हम कह सकते हैं ये भी थर्ड एग्जेप्शन केस है LDMU का, LDMU रूल के अगेंस्ट है, तो ये भी थर्ड एग्जेप्शन केस है। चौथे एग्जेप्शन केस की तरफ बढ़ते हैं, चौथा एडिक्शन, लत, जिसको कहते हैं लत लग जाना। जैसे कोई कंज्यूमर ड्रिंकर एल्कोहल पीने का बहुत ही शौकीन होता है, तो जितना ज़्यादा उसके अंदर लत होगी वो उतने बॉटल, उतने गिलास वो वाइन एल्कोहल पीता जाएगा, और अगर जितना लत उसमें कम होगी वो उतने ही कम बॉटल या वाइन पिएगा। यानी कि जैसे जैसे उसकी एडिक्शन बढ़ती जाएगी एल्कोहल के प्रति, वो उतने ही बॉटल पैक एल्कोहल पीता जाएगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ एल्कोहल नंबर ऑफ पैक्स ऑफ एल्कोहल और एल्कोहल पीने की जो हैबिट है मार्जिनिटी, उसमें डायरेक्ट रिलेशन है जो कि LDMU रूल के अगेंस्ट है। तो ये भी फोर्थ एंड लास्ट एग्जेप्शन केस। एक और हम एग्जांपल देते हैं, जैसे कोई ड्रग्स बहुत लेता है, तो जितना उसकी लत होगी, ड्रग्स लेने की आदत ही होगा, वो उतना ही ड्रग्स लेगा और उसकी आदत बढ़ेगी और लेता जाएगा, यानी जितना उसकी लत बढ़ेगी उतना ही ड्रग्स लेता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जितना वह उसकी लत बढ़ेगी वो उतने ही नंबर ऑफ ड्रग्स भी लेता जाएगा, लत बढ़ती जाएगी ड्रग्स लेता जाएगा, ड्रग्स लत बढ़ती जाएगी ड्रग्स लेता जाएगा, और लत अगर कम होगी तो ड्रग्स भी कम होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ ड्रग्स और ड्रग्स लेने पे जो मार्जिनिटी क्रिएट होता है उसमें डायरेक्ट रिलेशन है, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज, लेकिन डायरेक्ट रिलेशन, जो कि LDMU रूल के अगेंस्ट है। तो हम कह सकते हैं कि ये चौथा एडिक्शन केस, चौथा एक्सेप्शन केस है जो LDMU रूल के अगेंस्ट है। तो ये भी एक प्रकार का चौथा एक्सेप्शन है। ओके महर्षि, आज हम आपके सामने चर्चा किया कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस के अंतर्गत व्हाट आर द सम एक्सेप्शनल केसेस ऑफ LDMU। ओके माय डियर स्टूडेंट, अगर इसमें कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा, और अगर नहीं है तो वेरी गुड, मेरे लेक्चर, मेरे पढ़ाने से आप सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छा। और हाँ, अगर आपको मेरा चैनल वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल वीडियो। अगर अभी तक आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका एक रुपया भी नहीं लगता है, बट इससे मेरे कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ते हैं और मैं ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुँचाता हूँ, ताकि आप इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों, फ्रेंडों को फेसबुक, व्हाट्सएप से शेयर कर सकें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और मुझे पता है या मुझे लगता है या मेरा मानना है कि आप या आपसे रिलेटेड जो भी कोई जो एकेडमिक या कंप्यूटर स्टडी कर रहा हो उसके लिए फ़ायदेमंद होंगे, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली, शॉर्ट टर्म में नहीं तो लॉन्ग टर्म में, क्योंकि विद्या कभी ख़राब नहीं जाती। तो ओके, तो कल फिर आते हैं, फिर कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस के अंदर फिर इसी टॉपिक से संबंधित किसी दूसरे टॉपिक से, या फिर किसी इसी टॉपिक के आगे किसी टॉपिक के साथ फिर कल हम आपसे मिलते हैं इसी टाइम। सी यू, गुड नाइट, टिल देन, बाय बाय एंड महादेव।